शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस रिचा ने गुंडे को पैसे देकर अंजलि के पेट में पल रहे बच्चे को अटैक करवाया, उसे मारने की कोशिश की है। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, पुलिस बस आती होगी। इस मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए और अब तुम दोनों साथ मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। पत्नी जी, आप तो बहुत सुंदर लग रही। हैप्पी बर्थडे यश जी। थैंक यू। लेकिन मेरे साथ साथ आज किसी और का भी बर्थडे है। किसका बर्थडे? अरे यश का मानना है आज का दिन बड़ा खास होने वाला है। खास होने वाला है? भाभी हम भी जान सकते हैं कि आज का दिन क्या खास होने वाला है? यश को पक्का भरोसा है कि आज उसका जन्मदिन है और इसी दिन तुम मुझे उसकी बेटी गिफ्ट देने वाली हो, इसलिए उसने अपने जन्मदिन के साथ अपने बेटी के स्वागत की भी तैयारी कर ली। अच्छा जी। बिल्कुल जी, वो देखो। तुम तो जानती हो वैसे तो मैं कुछ मांगता नहीं, लेकिन आज मैंने गोपाल से अपने बर्थडे पर हक से गिफ्ट मांगा है। गिफ्ट में मुझे कृष्णा चाहिए, हमारी बेटी, और मुझे पूरा विश्वास है कि गोपाल मुझे ये गिफ्ट आज ही देंगे। लेकिन आज ही क्यों यश जी? समझा करो अंजलि, मेरी बेटी के जरिए लोग मेरा बर्थडे भी तो याद रखेंगे ना, और फिर पापा और बेटी मिलकर एक बड़ी सी बर्थडे पार्टी किया करेंगे। वैसे हमें पता नहीं था कि आप इतने कंजूस हैं। हाँ, आप दोनों का बर्थडे एक ही दिन मनाकर खर्चा बचाना चाहते हैं। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, मेरी इंटेलिजेंट मॉम टू बी। यशी, माँ कहाँ है? बता दूँ? हाँ, छोटी दादी का फोन आया था, मैं उन्हीं से मिलने गई, और हो सकता है वो छोटी दादी को साथ ही ले आए। अब तुम चिंता मत करो, हमारा घर खुशियों से भर जाएगा। से हम अंजलि से नहीं मिले, उससे मिलने का बहुत मन कर रहा है। चलो होकर आते हैं। तो मैं कह रही थी कि रिचा की 6 महीने की सजा आज खत्म हो रही है और आज वो रिहा हो रही है। इन 6 महीनों में ना हम उससे कभी मिलने गए और ना कभी बात करी। कौन रिचा? मैं किसी रिचा को नहीं जानता। एक बेटी थी मेरी रिचा जो हमारे लिए मर चुकी है। भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए। खबरदार, जो उस लड़की के लिए आंसू बहाए तो जो उसने किया है ना, उसके लिए 6 महीने तो क्या, 6 साल की सजा भी कम है। 6 महीने के बाद अंजलि की खुशियों में शामिल होने जा रहे हैं। मुझे अच्छा लगेगा खुशी खुशी अगर तुम भी चलोगी तो। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करता हूं।
किशोरी का की आओ। रिचा बेटा, मुझे माफ कर देना, मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। देखो कैसा है? बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन यश जी, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि आपको इतना भरोसा कैसे है। हमारा बच्चा आज ही जन्म लेने वाला है। क्योंकि उसके पापा के दिल से आवाज आ रही है, कृष्णा की मम्मी, और वो कभी गलत नहीं होती। लो भाई, ये टेबल भी आ गया। नहीं बेटा, तू मत कर, आराम से। चलो वहीं से तो लगाओ बेटा, बताना सीधा लगा। हाँ। देखना, बताना बेटा। पापा थोड़ा ऊपर 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 ऊपर, मेरी साइड से, यहाँ से। यशी आप भी ऊपर लीजिए ना। अरे बेटा, वहाँ से उठा ना, बोल रही है तुझे। हाँ, ऊपर ऊपर। हाँ, ये अब ठीक है। हाँ, हाँ, बिल्कुल ठीक है। अरे सुबोध, नमस्ते। अलका भाभी, नमस्ते भाई जी। ओ यार, गले लग। बस सुबोध, कहाँ था यार, छह महीने मेरे बगैर कैसे रहा तू? हाँ, जैसे तू रहा। अब क्या करता यार, रिचा ने जो किया ना, उसके बाद मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गया था। चल कोई नहीं, छोड़ यार। अरे अलका, यश और अंजलि को आशीर्वाद तो दे। जीते खुश है। बस ऐसी हालत में झुकना नहीं चाहिए, जीती रहे। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। ये कृष्णा कौन है? लाला जी, वो पापा। पापा, वो हमने और यश जी ने तय किया है कि लड़का हो या लड़की, हम उसका नाम कृष्णा ही रखेंगे। बिहारी जी, तुम्हारे सारे अरमान पूरे कर ले। तुम दोनों की खुशियों में अब किसी की नजर ना लगे। जी, वो मैं केक की डिलीवरी लेकर आया था।
अच्छा उधर मेज पे रख दे। सब मिलकर आपका बर्थडे केक का चल चलो अंजलि मैं तुम्हारे बिना केक थोड़ी ना काटूंगा आओ मेरे पास आओ चलो 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 आओ आओ वैसे गाइस आज का बर्थडे मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि मेरी धर्म पत्नी मुझे एक बहुत स्पेशल गिफ्ट देने वाली है और इसके लिए अंजलि के लिए तालियां तो बनती है सचमुच आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का यादगार दिन होने वाला है यश क्योंकि आज मैं तुम्हारी बीवी और बच्चा दोनों को ऊपर पहुंचाने वाली हूं अंजलि वो भी अकेली नहीं अपने बच्चे के साथ जी वो अंजलि मैडम ने अपना कमरा सजाने को बोला था अच्छा इन लोगों ने अभी से बच्चे के आने की तैयारी शुरू कर दी ठीक है तुम जाओ और कमरे को अच्छे से सजाना जी
इतना अच्छा मौका गवा दिया आंटी की वजह से मैंने, अब क्या करूं? अंजलि, 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 अस्पताल, एम्बुलेंस को फोन कर, मैं इसे भी हॉस्पिटल। अंजलि का ओवर टेंशन हो गया। अंजलि या उसके बच्चे को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। चल मैं इसे हॉस्पिटल ले जाता हूं। का समय नहीं हमारे पास। ताई जी, इसको इतना दर्द हो रहा है, क्या किया जाए? अरे मैं हूं ना, जैसे कहते हो वैसे करो, क्या होगा? बोलिए ना दादी, क्या कर रहे हैं? अंजलि को कमरे में लेते आराम गर्म पानी ले। जब गोपाल साथ है तो फिक्र की क्या बात है? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। तू चादर लेके आ, चादर लेके आ। मैं जाऊं? तू बाहर आ। दादी पर। तुम लोग बाहर आ। ताई, ताई जी गर्म पानी। हाँ जी, हौसला रख बेटा, सब ठीक हो जाएगा। जोर लगा, जोर लगा। अगर मेरी बेटी और मेरी पत्नी को कुछ भी हुआ ना, सच कह रहा हूं, मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा, गोली से। पापा, हमें अंजलि को अस्पताल ही ले जाना चाहिए था। अगर हम उसे अस्पताल ले जाते तो बेटा रास्ते में कुछ भी हो सकता था। तू चिंता मत कर, भाई जी बहुत अनुभवी हैं, तुम ही उन्हीं के हाथों पैदा हुआ था। थोड़ा सा और जान लगा अंजलि, थोड़ा थोड़ा, एक बार और। अंजलि बधाई हो, तुम्हें बेटी हुई है। पापा, अंदर से आवाज आनी बंद क्यों हो गई? शायद डिलीवरी हो गई है बेटा। पर अंजलि की आवाज और बच्चे के रोने की आवाज भी नहीं आ रही है। ताई जी, ये बच्ची रो क्यों नहीं रही है? अंजलि कुछ नहीं होगा, गोपाल है ना हमारे साथ, अंजलि कुछ नहीं होगा। माई, कुछ करो ना। इसके साथ भी नहीं चलेंगे। अंदर इतनी शांति क्यों है? सब ठीक तो है ना? कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। बड़ी दादी, बड़ी दादी, सब ठीक है ना?
कुछ नहीं होगा जी। दादी दरवाजा खोलिए ना, सब सब ठीक है ना? अरे दादी, तेरी कृष्णा जन्म लेने के बाद रोई नहीं, उसकी सांसें नहीं चल रही। हमें माफ कर दे, हम तेरी बेटी को बचा नहीं पाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने आप सबसे कहा था ना कि मेरी बेटी मेरे जन्मदिन पर आएगी, वो आ गई, अब इसे रोना भी होगा। कि जरूर रोएगी, अपनी मम्मी के लिए, अपने पापा के लिए इसे रोना होगा, इसे खुद अपनी आवाज से बताना होगा कि ये हमारी जिंदगी में आ गई है। रोना होगा कृष्णा, तुझे रोना होगा। गोपाल, अंजलि ने आप पर हमेशा भरोसा किया है, आप उसका भरोसा नहीं तोड़ सकते। आज आपकी भी परीक्षा है गोपाल, आपकी भी, और आपको इस परीक्षा में खरा उतरना होगा। गोपाल, हमारी कृष्णा दादी, होगा वही जो चाहे लड्डू, हमारी कृष्णा, बहिया समय का कुछ नहीं हुआ हमारी कृष्णा को। अंजलि, हमारी जो चाहे लड्डू, कामना या लगेगा ग्रहण, अनोखे बंधन से बंधी अंजलि की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।